गाने की एक लाइन है यार कि दो साल में होंगे तेरे बच्चे मेरे बच्चे. It's becoming a big problem, man. But what a song, what a song. जाने मन आ. I have this fantasy that I will. Thank you. 1, 2, 3. You do the ah. Okay, I'll do the jaane man. Are you ready? 1, 2, 3. Jaane man. That was such a damn squib. Okay. Okay. If Varun, if Varun does it and John does it, maybe you'll be louder. So 1, 2, 3. If you can say jaane man and they say ah. Okay. 1, 2, 3. John. Jaane man. Ah. Jaane man. Ah. Jaane man. Ah. Jaane man. हमारे दोस्त हैं मीडिया से जो आए हैं. आई एम श्योर यू हैव क्वेश्चंस अबाउट द मैन बन फॉर एग्जांपल. सो इफ यू कुड प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, वी'd लव टू टेक देम. सर इन द येलो शर्ट यू लुक लवली, प्लीज सवाल पूछिए सर. अब पहला सवाल यही है कि फिल्म के दूसरे भाग की चर्चा हो रही है, एक आपके फैन ने उसका पोस्टर भी बनाया है, ट्वीट किया है आपको वरुण, तो मतलब आपकी पूरी टीम है जो बनाना चाहेगी भाग दो और आप लोग काम करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा भाग दो के बारे में क्या कहूँ. वो बस फैन आता, एक पोस्टर आया था इंटरनेट पे जहाँ अक्षय कुमार जी और जैकी चैन को भी जोड़ा गया था डिशूम 2 के साथ. बट आई थिंक साजिद सर एंड रोहित शुड आंसर दैट कि क्या डिशूम भाग दो बनाना चाहते हैं. यू मीन डिशूम? हाँ, तो अगर बनेगी ऑब्वियसली इफ यू फाइंड अ एक्साइटिंग इनफ स्क्रिप्ट एंड जर्नी फॉर कबीर एंड जुनैद टू कम बैक टू. बट इतना तो जाहिर है, एक ही मतलब कम से एक हफ्ता भी नहीं हुआ अभी तक, बट कबीर और जुनैद को बहुत प्यार मिला है एंड दे एक्सट्रीमली आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड आई हैव गॉट अ फीलिंग दैट पीपल वुड वेलकम देम बैक, यू नो, इफ देयर इज अनदर पार्ट. रोहित, आपके एक सवाल है. शुरुआत के साथ होती है, क्रिकेट के मैदान से फिल्म की शुरुआत होती है. अभी तक फिल्म को भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं देखा है क्योंकि वो बाहर है अभी, तो क्या उनके लिए स्क्रीनिंग आयोजित करेंगे आप कहीं जो जहां पर? करेक्ट, एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट दिखाया है उन्होंने कि पूरी टीम को पिक्चर देखनी है. फिलहाल वेस्ट इंडीज में एंड बाय द टाइम टीम पोर्ट ऑफ स्पेन पहुंचे अगले टेस्ट के लिए, वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग अ स्क्रीनिंग फॉर देम. दे ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म बिकॉज़ दे हैव हर्ड दैट द क्रिकेट हैज बीन शॉट इन एन एक्सट्रीमली रियलिस्टिक मैनर एंड वी हैव डेल्ट विद द क्रिकेट आल्सो लाइक अ सोल्जर, यू नो. वो ही इज लाइक अ मार्टर इन द फिल्म, वो देशभक्त है वो कैरेक्टर. सो व्हाट्स रियली कूल इज दैट मोहिंदर अमरनाथ जी फिल्म में भी है एंड ही रियली लाइक द फिल्म. ही वॉज वेरी हैप्पी विद वे द क्रिकेट वॉज शॉट एंड द वे वी शोन इंडियन क्रिकेटर एंड उन्होंने एक पर्सनल मैसेज भी भेजा रोहित को. सो आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट व्हेन समवन एज ग्रेट एज हिम गिव्स यू अ थम्स अप. एंड जैसे कि रोहित ने कहा कि साजिद सर ऑर्गेनाइज कर रहे कि पोर्ट ऑफ स्पेन में हम लोग हमारे इंडियन टीम को शायद दिखा दे पिक्चर. रोहित, बाकियों को भी मौका दें सर प्लीज. थैंक यू. आपका हो गया अभी. नेक्स्ट जी रोहित, आपसे एक सवाल है. जो स्क्रिप्ट है उसके लिए क्रिटिक्स का मिक्स रिएक्शन था, लेकिन फिर भी क्रिकेट पर ये एक बहुत डिफरेंट फिल्म थी, तो क्या जो आपका जो सीक्वल आएगा वो भी इंटरनेशनली सिनेरियो रहेगा सब्जेक्ट वाइज? पता नहीं मैम, फिलहाल तो कुछ आइडिया नहीं है. आपके पास इफ यू हैव एनी आइडियाज दे आर वेलकम एट दिस स्टेज, बट प्रोबेबली कबीर एंड जुनैद गो एंड फाइंड अनदर फेमस पर्सन. जैकी चैन को इंडिया ले आए हम लोग, मार देगी वो आपको. हम लोग को आपको वापस लेके आना पड़ेगा इंडिया. जॉन, जॉन आपके सामने इधर. आपने कई बार ये जिक्र भी किया था कि डिशूम का कई सीक्वल बनना चाहिए और कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा था, तो आपको लगता है जैसे वायरफ ने एक धूम की फ्रेंचाइजी का प्लेटफॉर्म सेट किया उस तरह से ये भी फिल्म कर चुकी है, या आपको लगता है कुछ होगा इसका? नहीं, आई फील 100% होना चाहिए, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन हमारे जो प्रोड्यूसर है साजिद और हमारे जो डायरेक्टर है रोहित, उन पे ज़्यादा डिपेंड करता है. इफ रोहित फाइंड्स द परफेक्ट स्क्रिप्ट और मिस्टर साजिद नडियाडवाला को ग्रीन लाइट करना पड़ेगा उसको, बिकॉज ही इज़ गॉट अ कमर्शियल सेंस ऑफ क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा. आई थिंक एज एक्टर्स वरुण और मैंने काफ़ी डिस्कस किया है, हम लोग तो अपने आप में डिस्कस करते हैं कि हमें पार्ट टू में ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट वो कोई मायने नहीं रखता टिल दे फाइनलाइज. तो वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट डूइंग इट और मेरे हिसाब से इट शुड बिकम अ फ्रेंचाइज. वरुण, आपसे एक सवाल है. वरुण जी. हाँ जी मैम. आप इनोसेंस और नॉटीनेस को एक साथ कैसे ब्लेंड करते हैं? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी.
It's like a Tinder question, but anyway, it's funny. आप सभी से एक सवाल है, देशभक्ति की यहाँ बात हो रही है, तो स्वतंत्रता दिवस भी नजदीक है, तो आप लोग इस बार क्या रेजोल्यूशन ले रहे हैं, देश के नागरिकों को कोई संदेश देना चाहते हैं? सभी लोग डोंट किडनैप क्रिकेटर्स. बस यही कहेंगे, आई थिंक वी ऑल आर वेरी पेट्रियोटिक, और एक तरीके से एक पेट्रियोटिक मैसेज भी है हमारे फिल्म में. एंड आजकल दुनिया भर में आतंकवाद को लेके बहुत चर्चा है, कोई भी देश सेफ नहीं है, बट आई थिंक अनटिल इंडियंस आर देयर हु लव द कंट्री, आई डोंट थिंक सो कोई भी हमारे देश का बाल भी बाका कर सकता है. सो आई थिंक स्टार्ट बाय प्रोटेक्टिंग आवर कंट्री फ्रॉम विदिन, और कुछ भी एंटी नेशनलिस्टिक या कुछ भी हमें लगा कि कोई भी ऐसे चीज़ें हमें दिखते हैं, वी शुड ट्राई, हम लोग पुलिस को इतला कर सकते हैं एंड स्टफ. सिक्योरिटी इज़ अ बिग कंसर्न एंड आई बिलीव इन दैट. इफ़ यू फील एनीथिंग इज फिशी, एनीथिंग इज रॉन्ग, सो प्रिकॉशंस द वे अहेड आई थिंक फाइट दीज थिंग्स. वरुण एंड John, hi, I'm from Singapore, and I'm here. Varun, I think I interviewed you a couple of days back for an online portal in Singapore. Yes. So, Dishoom, it's a very iconic, oriented word in Bollywood. So it's always Dishoom. Who are your icons when it comes to action heroes or action in Bollywood? Who do you really look up to? Like, I want to know Dishoom is this hero or this icon. I think internationally, I can speak about international because he really influenced me to get into films, and that's Stallone. Sylvester Stallone is someone I really look up to, and I've always told Sajid, you know, you have to introduce me to him because he's had the good fortune of working with him, and I'd love to meet him one day. And I think in India, a number of actors, I think the old times, I think Dhawan was absolutely fantastic. He was a man's man. And I think as recent as Akshay Kumar is a real khiladi, and he's absolutely fantastic. So I think we've had some. Sunny Deol is absolutely outstanding. I would say Sunny Deol, yeah, he's something else only. Free.